सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत फ्रूथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत राग के बारे में, जिस राग का नाम है मालकोस। ये राग थाट भैरवी से बिलोंग करता है, जिसमें कि रेगा धनी कोमल लगता है, मगर इस राग में रे वर्जित होने के कारण इसमें सिर्फ ग ध और नी ही कोमल लगाया जाता है। तो आइएगा अब नजर डालते हैं इसकी कुछ डिटेल्स के ऊपर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग मालकोस थाट भैरवी, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स, आरोह अवरोह पकड़वादी संवादी जाति गायन समय और न्यास के स्वर। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन सारी डिटेल्स को नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे इससे रिलेटेड जो भी बात करूं आप उसको इजीली समझ पाए। मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी डिटेल्स को नोट कर लिया होगा। तो आइएगा आप देखते हैं कि इसका आरोह अवरोह और पकड़ किस तरीके से गाया जाए। ये राग बहुत खूबसूरत और मीण प्रधान राग माना जाता है। इसमें हर स्वर में मीण दी जाती है। देखिए किस प्रकार इस राग में कभी भी प नहीं लगता, यानी कि प वर्जित है, तो इसलिए इस राग को हमेशा सापा की जगह सामा में गाना चाहिए। गौर फरमाइए। जैसा कि आपने डिटेल्स में नोट किया ही था, उसमें देखा ही था कि इसके न्यास के स्वर हैं सा मा और ध, मगर साथ ही साथ ग और नी पर भी न्यास किया जाता है, मगर थोड़ी सी तादाद उसकी कम होती है। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।